नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉनस्टर्न क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को नज़र में देख कर बनाई गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को पसंद होता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not function of RBI? It act as a regulator and supervisor of the financial system. बिल्कुल करेक्ट है। It manages foreign exchange, ये भी सही है। It provides a loan facility to the businesses and ensure economic growth. तो ये गलत स्टेटमेंट है, बिजनेसेस को ऐसे लोन्स तो नहीं देती है। इट इश्यूज एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। वैसे तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जैसे कि कब स्टैब्लिश हुए थे, अप्रैल 1, 1935 को अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड परफॉर्म्स द मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। इट मेंटेन्स द बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, प्राइवेट हुई या पब्लिक बैंक्स। एंड इट मैनेजेस द फेमा एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919, विच फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रोमोट ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फिर इट इंट्रोड्यूसेस अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम, जिस तरह से यूपीआई लॉ एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट इश्यूज एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट्स, इसका पता ही है डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। इट फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी कि इन्फ्लेशन रेट कितनी होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितनी होनी चाहिए। इट एक्ट एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2022। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स GNPAs ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैव डिक्लाइन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो GNPAs ऑफ द बैंकिंग सिस्टम वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 7.4% टू अ 6 ईयर लो, 5.9% हो गई है मार्च 2022 तक, ठीक है। एंड द रिपोर्ट शोज द बैंक हैव विटनेस्ड एन इम्प्रूवमेंट इन द कैपिटल पोजिशन विद द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो राइजिंग टू 16.7% मार्च 2022 तक। तो ये भी अच्छी बात है। फिर बैड लोन्स हैव ऑल्सो डिक्लाइन, तो वैसे लोन्स जो रिपेन नहीं हो पाते हैं उनका भी रेशियो, उनका भी कम हुई है। इन सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स में, तो इंजीनियरिंग, गोल्ड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड कंस्ट्रक्शंस में इसकी बैड लोन्स की मात्रा भी कम हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ में। दिस क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग द अर्ली विंटर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। द लॉन्गर द क्रॉप इज इन द फील्ड द मोर स्टार्च एंड प्रोटीन्स द ग्रेन विल एक्यूमुलेट एंड द हायर द यील्ड्स। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ इट्स सीड इज 20 to 25 degree Celsius, दो द सीड्स कैन जर्मिनेट इन टेम्परेचर रेंज 3.5 to 35 degree Celsius ऑल्सो। द अबव डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पैडी, वीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीट जो है इसका सही है आंसर। तो वीट आपको पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, आपको नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख जाएगा। तो कौन से सॉइल में होता है, सॉइल विथ क्ले लोम और लोमी टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये आइडियल है। और नॉर्दर्न स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इसमें बहुत ज़्यादा वीट ग्रो किया जाता है और एक रबी क्रॉप है, तो विंटर में इसको सो किया जाता है और समर्स आते आते हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट वंस द ग्रेन हैज राइपेंड एंड मॉइस्चर लेवल रिड्यूस, कितना हो गया तो 12 to 13% बाई राइजिंग टेम्परेचर। तो अप्रैल के महीने में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिफाइड पेमेंट
interface that is UPI. It enables a user to send money or receive money using a virtual payment address created by the customer. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. इट सपोर्ट पर्सन टू पर्सन पेमेंट ओनली. ऐसा नहीं है पर्सन टू मर्चेंट भी होता है. इट हैज बिन लिंक्ड विद पे नाउ अ पेमेंट सिस्टम इन द यूएई. तो पे नाउ एक सिस्टम तो है किंतु ये यूएई का नहीं है, इसका होगा सिंगापुर होगा. तो इसका सही आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. यूपीआई इज इंडियाज मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम. ये बहुत लोग इंडिया में यूज करते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं है. इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ शेयरिंग बैंक अकाउंट्स. एक बार बैंक अकाउंट लिंक करना होता है उसके बाद में आपको यूपीआई पिन जनरेट होती है, उसी से आप बार बार पेमेंट कर सकते हो. इट सपोर्ट्स बोथ पर्सन टू पर्सन एज वेल एज पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट ऑल्सो. एंड पे नाउ भी एक फास्ट पेमेंट सिस्टम है जो कि एक सिंगापुर में डेवलप की गई है, सिमिलर टू यूपीआई का फंक्शन है. तो यूपीआई एंड पे नाउ लिंकेज किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिटवीन इन इंडिया एंड सिंगापुर और ज़्यादा डेवलप हो जाए. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू लिक्विड नेचुरल गैस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नेचुरल गैस इज रिड्यूस्ड टू अ लिक्विड स्टेट थ्रू इंटेंस कूलिंग टू अराउंड -161 डिग्री सेल्सियस. तो ये बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को ही लिक्विफिकेशन कहते हैं. द गैस इज 600 टाइम्स स्मॉलर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इज हाफ द वेट ऑफ द वाटर. तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होती है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एलएनजी एंड लिक्विफिकेशन इज वेरी चीप. ये तो सही नहीं है, कॉस्टली प्रोसेस है. तो वन एंड टू जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, रिड्यूस टू लिक्विड स्टेट दैट इज लिक्विफिकेशन थ्रू इंटेंस कूलिंग -161 डिग्री सेल्सियस और 600 टाइम्स स्मॉलर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम है. एंड द कूलिंग लिक्विफाइंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एज वेल एज पोस्ट ट्रांसपोर्ट रीगैसिफिकेशन प्रोसीजर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. और लॉट ऑफ एनर्जी में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है. 10 to 25% ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैस इज बींग लॉस्ड ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन प्रोसेस इट्सेल्फ. ठीक है, डिस्पाइट एलएनजी एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये एक्सपोर्ट बहुत की जा सकती है, बट द हाई कॉस्ट ऑफ लिक्विफिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग एलएनजी लिमिटेड इट्स मार्केट. जिस तरह से पेट्रोल डीजल मार्केट पे छाई हुई है उस तरह से एलएनजी अभी तक मार्केट को कब्जा नहीं की है क्योंकि एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव कोई भी एक्सपेंसिव चीज कोई सब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Consider the following statements about landlord port. The port authority act as a regulatory body while the operations on the port are carried out by the private companies. तो ये सही statement है. जवाहरलाल नेहरू port of Mumbai is the first 100% landlord major port. तो ये भी सही है. तो answer number C जो है वो correct answer हो जाएगा. The landlord port is characterized by mixed private public orientation है. under this model the port authority act as a regulatory body and as a landlord while the port operation especially जो कार्गो की handling होती है वो private companies के under है. और ये जवाहरलाल नेहरू port या मुंबई port जो है वो first 100% major port of India है. and the central government run जवाहरलाल नेहरू port signed a concession agreement with कौन सी private company थी, तो GM Baksi Ports and Logistic Limited to upgrade equip and operate manage its shallow water boats and coastal boats terminals through PPP that is public private partnership. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI. तो द CPI बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा इज कंपाइल्ड बाई द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. तो ये गलत स्टेटमेंट है. देन CPI इज डोमिनेटेड बाई द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ये नहीं होगा, CPI नहीं होगा, WPI होगा. द CPI टेक्स
इनटू अकाउंट द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सर्विसेज। हाँ, ये सीपीआई करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता, तो स्टेटमेंट थ्री सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा कंपाइल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एंड डब्ल्यूपीआई कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और डब्ल्यूपीआई इज डोमिनेटेड बाय द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वाइल सीपीआई इज डोमिनेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ द फूड आर्टिकल्स के ऊपर है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन रेट पर होता है। तो डब्ल्यूपीआई डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द सर्विस। जो सर्विस सेक्टर से अगर प्राइस बढ़ जाती है तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीपीआई को पड़ता है। इफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट गेस्ट कॉस्टलियर, द रिटेल इन्फ्लेशन विल राइज। मतलब सीपीआई को इफेक्ट होगा बट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द डब्ल्यू पी आई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है। इट हैज रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो को डिसमिस कर दिया गया। इट हैज़ बिन कंस्टिट्यूट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियोज आएंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड हिस्ट्री से, इंटरनेशनल अफेयर्स और एनवायरनमेंट साइंस टेक की सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। और थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को और हिट द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय बाय।